इलाके में किसानों ने खरिया मेवा बागात में मुबैना ईंट का भट्ठा कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया। जर्रा के किरवा के मेवा बागात में काफी तादाद में बादाम के दरख्त काटे गए हैं, जिसकी वजह से बाकी किसानों में काफी तश्वीश पाई गई। क्रिविया पर रिवायती बादाम के दरख्त होने के साथ साथ सेब के बागात के अलावा किसान जरई सरगर्मियों में भी करते रहते हैं। किसानों का कहना है कि अगर इलाके में ईंट का भट्ठा कायम किया गया तो यहां पर जरई और बागबानी अराजी पूरी तरह बंजर में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से इलाके में माहौलियाती आलूदगी काफी बढ़ जाएगी। ताहम महकमे एग्रीकल्चरल और महकमे माल के आला अफसरान ने कहा कि ईंट का भट्ठा कायम करने के लिए किसी ने अभी तक उनसे रजू नहीं किया है, किसी को इस हवाले से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने कैमरा के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। पेड़ इसने इनका क्या हाल किया, ये देखो हमारे यहाँ ऑर्चिड लगे हैं, मस्टर्ड लगे हैं और आलू बुखारे के पेड़ लगे हैं, वो फिर हमें काटने हैं। हम सरकार से विनती करते हैं, मेहरबानी करके ये भट्ठे वाले को क्लोज एनीहाउ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ का किसान जो भी है, लूसीमुनी का हो या जोडुरा का हो, वहांपोरा का हो, वाहबुक का हो या और किसी साइड का हो, समझो वो तो फिर खाद पे बैठ जाएगा। अथ पे ये आमुत अस लूसीन गाम कम तह नफर भट्ठ वलिस वोनमुत त्रो ये भट्ठ, मगर अस ग जबरदस्त प्रॉब्लम, पोलूशन ये असमी बागात जमीन नुकसान ना हेको अम बगर चुन कहें रोजगार। अगर गवर्नमेंट वनान पोलूशन करो खत्म चोट कर जमा वतन मु त्रो, मगर इन नाचन करें ग्राउंड लेवल पे कहें एक्शन गल जन अस गई ती डी सोबस ती गई, तहसीलदार सोबस ती गई, नायब सोबस ती गई, सेब का भी बहुत यहाँ पर बागात है, इनको भी बहुत नुकसान हो जाएगा, इनके ये भट्ठा लगा ईंट का भट्ठा लगाने से पोल्यूशन हो जाएगा, जो इनका खर्चा आता है बागात का साल भर आता है 50,000 लाख आता है किसी को, फिर इसका कुछ नहीं निकलेगा और हमें बहुत परेशानी आ जाएगी इससे। आरएसपुरा में किसानों ने अपनी तबाहशुदा फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर एहतजाज किया। किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि हालिया बारिश और जालाबारी से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक मुतलका महकमा का कोई एहलकार उन तक नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर किसानों में शदीद गम गुस्सा देखा गया। किसानों ने इल्जाम आयद किया कि गुज़श्ता साल भी तबाहशुदा फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया। एहतजाजियों ने एलजी से खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्द अज जल्द देने की मांग की। आखना के है जिमीदारे बड़ी एक एक पैसा जरा चुनिए ते अपनी फसल उपर लांदे न, अपनी फसल की वह इस चाली पालदे न जियां के कोई अपने मां प्यो अपने बच्चे ही पालदे न। फसल उपर जो भी पैसा है वह चुके लाई उड़दे न, इत्थे तक करके जिहड़ा किसान क्रैडिट कार्ड का उन्हें पैसा लेदा हुंदा वह भी लाई उड़दे न। इस बारी मौसम ने ऐसी करवट बदली, ऐसा मौसम खराब होया कि जिहदे कन्ने पृथ्वीपुर नौ ग्रां कोटली जिन्हें भी ये ग्रां आसे पासे सारे ग्राएं दीआं फसलां जिहड़ियां फांडे कन्ने पहली नंबर तो लेटी गई, उपरा ओले पे न, ओले उपरा बारिश पई है, सारी फसल है जी तबाह हुई है। सानू जरूर कुछ ना कुछ दिता जाना चाहिए मुआवजा, इये साड़ी रिक्वेस्ट है प्रशासन अगे, एल जी साहब अगे, पटवारी तहसीलदार ने जेडे उन्दे अगे भी, भाई तुंदा भी तुह भी आनी